बिंदु के रूप में मेरा देवाधिदेव महादेव मेरा भगवान शंकर है। जिसको पहचानने के लिए सत्य के, अच्छे कर्म के, अच्छे विचार के, समर्पण के नेत्र चाहिए। यदि ये मानव की देह हमें मिली है, मानव का शरीर हमें मिला है, और मनुष्य का शरीर यदि हमें प्राप्त हुआ है, और उस मानव के शरीर में प्रभु कृपा से, भगवान की कृपा से यदि हमारे नेत्र परखैया हो जाए, भगवान को हम परख ले, भगवान शंकर की उस कृपा को हम जान जाए, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा को हम पहचान जाए, तो ये समझना कि आप साधारण नहीं हैं, भगवान शंकर के ही कृपा पात्र हैं, जो देवाधिदेव महादेव ने आपको अपना दर्शन दिया, दर्शन प्रदान। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। यदि हम मनुष्य की देह पाने के बाद में अगर भगवान को पहचान रहे, भगवान शंकर को जानने का प्रयास कर रहे, तो ये मानकर चलें कि ये शिव की कृपा ही है, शंकर की उदारता है। देखिए, यहाँ मेरी इतनी सारी जीजियाँ बैठी हुई हैं, इतने सारे जीजा बैठे हैं, आस्था चैनल पर भी कई माताएं कथा सुन रही हैं, भाई लोग कथा सुन रहे हैं, जीजा लोग कथा सुन रहे हैं, बेटी बेटा मेरी माताएं कथा को श्रवण कर रही हैं। आप सबके घर में, और केवल आपके ही घर में नहीं, हमारे भी घर, किसी के यहाँ पर छोटी रोटी बनती है, किसी के यहाँ पर बड़ी रोटी बनती है, कोई छोटी बना रहा है, कोई बड़ी बना रहा है, किसी के यहाँ छोटी बन रही है, किसी के यहाँ बड़ी बन रही है, किसी के यहाँ कोई पहनने वाले कपड़े छोटे हो जाते हैं, कोई कपड़े बड़े हो जाते हैं, किसी का मकान बड़ा हो जाता है, किसी का मकान छोटा हो जाता है, कोई बड़ी गाड़ी हो जाती है, कोई छोटी गाड़ी हो जाती है। रोटी छोटी और बड़ी हो सकती है, और ये हमने अंदाजा भी लगाया, हम जहां भी अभी इससे पहले कुरुद में थे, और फिर उससे पहले हम लोग परतवाड़ा थे, तो एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले साइडों की एलईडियां चालू करवाइए, तो कोई रोटी छोटी है, कोई रोटी बड़ी है, कोई घर छोटा है, कोई घर बड़ा है, कोई कपड़ा छोटा है, कोई कपड़ा बड़ा है, कोई गाड़ी छोटी है, कोई गाड़ी बड़ी है, कोई जमीन कोई खेत किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा। ये छोटा और बड़ा का जो क्रम है, ये केवल आप और हमारे बीच में होता है। ये छोटे और बड़े का जो खेल है, ये हमारे और आपके बीच का है। कपड़ा
कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, रोटी छोटी बड़ी हो सकती है, मकान छोटा बड़ा हो सकता है, गाड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा कभी छोटी नहीं होती, जैसी है वो वैसी ही रहती है। उसकी करुणा, उसकी दया, उसका वात्सल्य जैसा एक के लिए है वैसा सबके लिए। जैसे माँ, जैसे घर की जो माँ होती है ना, उसके अगर चार बेटे हैं, उसके पांच बेटे हैं, तो घर की माँ बराबर का दूध पिलाती है। माँ अपने बेटे में कभी भेद नहीं करा कि मैं बड़े वाले को ज्यादा दूध पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, छोटे को पिलाऊंगी तो मंजले को नहीं पिलाऊंगी, मंजले को पिलाऊंगी तो संजले को नहीं पिलाऊंगी, ना। शिव महापुराण की कथा कहती है माँ अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चों को बराबर का स्तनपान कराती है, माँ अपने बच्चों को बराबर की परवरिश करती है। बस ये बच्चे पर आधारित। एक माँ के चार बेटे, थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर। मात्र ढाई घंटे की कथा आपको मिलती है, उस पर बहुत ध्यान दो, बहुत। एक माँ के चार बेटे और माता के चारों बेटे को माँ पढ़ा भी रही है, भोजन भी करा रही है, उनको अच्छे से रख भी रही है, उनको श्रेष्ठता में रखने का प्रयास भी कर। अब माँ ने एक बेटे को स्कूल में डाला, दूसरे बेटे को स्कूल में डाला, तीसरे बेटे को स्कूल में डाला, चौथे बेटे को स्कूल में डाला। माँ का काम क्या है? उसने स्कूल में उसको दाखिला दिला दिया, स्कूल में उसने एडमिशन करा दिया। अम्मा 24 घंटे तो स्कूल में नहीं बैठी रहेगी। बोलो मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? बोलो, जम के बोलो जरा। आप में से कितनी माताएं जो 24 घंटे स्कूल में बैठी रहे बच्चे के, कोई बैठ सकता है? नहीं। माँ का काम है, माँ ने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया। माँ का काम है, माँ ने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब बच्चे का काम है कि वो कितना ग्रहण करता है, कितना लेता है और कितना उस पर चलता है। चार बेटे, चारों की बुद्धि अलग है, चार बेटे, चारों के विचार अलग हैं, चार बेटे, चारों का क्रम अलग है। अब उसके ऊपर आधारित है कि वो किस तरह से उस विद्या को ग्रहण करता है। अब उसके ऊपर आधारित है वो क्या ग्रहण कर रहा है, कितना ले रहा है और कितना अपनी जिंदगी में उतार रहा है। और चार बेटों में से कोई बेटा तो डॉक्टर बन जाता है, कोई बेटा इंजीनियर बन जाता है, कोई बेटा किसान बन जाता है, कोई बेटा दुकान खोल लेता है। कारण, वो कितना ग्रहण करा है, उसने कितना लिया है, ये उसके ऊपर आधारित होता है, उसके ऊपर। उसी तरह रोटी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कपड़ा छोटा हो सकता है, कपड़ा बड़ा हो सकता है, गाड़ी छोटी हो सकती है, गाड़ी बड़ी हो सकती है, बंगला छोटा बड़ा हो सकता है, पर मेरे भोलेनाथ एक बराबर की करुणा, एक बराबर की दया मेरे भोलेनाथ संपूर्ण पृथ्वीवासियों पर बना कर रखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी सब पर मेरे प्रभु की कृपा एक जैसी सब। यहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यहां सबके प्रति समभाव मेरे देवाधिदेव महादेव का, सबके प्रति। बस इतना जरूर है कि किसी के पास में धन ज्यादा है और किसी के पास में धन कम है, इसमें दोष
देवाधिदेव महादेव का नहीं है। इसमें दोष मेरे शंकर भगवान का नहीं है, इसमें दोष मेरे महादेव का नहीं है, इसमें दोष मेरे शंभू का नहीं है, इसमें दोष है आपका और हमारा। हमने पूर्व में जो कर्म करा है, हमने पूर्व में जैसा करा उसके अनुसार आज हमको प्राप्त हुआ है, और आगे हम जो करेंगे वैसा हमको अगले जन्म में जरूर प्राप्त होगा। ये हमारे कर्म के अनुरूप। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति। हमने अच्छा कर्म किया हमें अच्छा मिला, पूर्व में हमने कहीं गौ माता को रोटी दी होगी, पूर्व में कहीं हमने किसी भूखे को भोजन कराया होगा, पूर्व में कहीं हमने किसी को सहयोग दिया होगा, तो आज हमको भी भरपेट भोजन मिल रहा है। हमारे कर्म के अनुसार, हमारे कर्म के अनुकूल और किसके पास में कितना है, वो कितना करोड़पति है, कितना धनपति है, कितना वैभवपति है, आपकी बुद्धि में ये मत आने दो। आपकी बुद्धि में तो ये आना चाहिए कि इसने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा तो आज भोलेनाथ ने इसके यहां बंगला दिया, गाड़ी दी, जायदाद दी, सत्ता दी और वैभव दिया। आपकी चित्तवृत्ति में यह आना चाहिए कि भगवान की कुछ कृपा हुई होगी जो इसको इतना मिला। पूर्व का हमारा कोई कर्म होता है जिसके कारण हमें कुछ अच्छा प्राप्त होता। चलो एक सरल भाषा से अपन समझे, बहुत सरल भाषा से, जब विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव के बाद में रिजल्ट आया और बहुत सारे लोग जीत गए, बहुत सारे, अब कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था चाहे मध्य प्रदेश देख लो, चाहे राजस्थान देख लो, चाहे छत्तीसगढ़ देख लो, सबके अपने अपने नाम चल रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे। पर जिसके ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा होता है वही उस कुर्सी पर, पद पर और प्रतिष्ठा पर बैठता है। अब जैसे ललाट पर लिखा हुआ है तो वो कुर्सी पर बैठता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कराने के लिए क्या अम्बलेश्वर में सेठों की कमी है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, सेठों की कमी है? रायपुर में करोड़पतियों की कमी है क्या? जम के बोलते जा। दुर्ग में, भिलाई में कोई कमी है क्या? बिलासपुर में कोई कमी है क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, कमी है?
कहीं पर कोई सेठों की कमी नहीं है, सबके पास में फैक्ट्रियां हैं, राइस मिल है, सबके पास में लोहे का काम है, लोखंड का काम है, सबके पास में दुकान जमीन जायदाद सबके पास में, पर शिव महापुराण की कथा वो ही करवा पाता है जिसको मेरे महादेव ने ललाट पर लिख कर भेजा हुआ, ललाट पर लिखा हुआ है तो करवा पाता। बिना ललाट पर लिखे कोई करवा भी नहीं सकता। एक बार की बात है, हम गुड़ियारी में कथा कर रहे थे, बसंत जी अग्रवाल जी कथा करवाए थे, और बसंत जी जब कथा करवा रहे थे तो उन्होंने दूसरे दिन हम उनकी बहन जो मकान उन्होंने बनाया था दीदी वाला उस मकान में ऊपर ठहरे हुए थे। दूसरे दिन बसंत जी आए और उन्होंने एक प्रश्न किया, गुरुदेव एक प्रश्न है। हमने पूछा क्या प्रश्न है, तो कहा गुरुदेव हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम शिव पुराण की कथा करवाएंगे, हमारे बिल्कुल दिमाग में नहीं था ये कि हम शिव महापुराण की कथा करवाएंगे, पर एकदम प्लान बन गया और एकदम गुड़ियारी में कथा हो गई, ये कैसे हो सकता। उस समय भी हमने बसंत जी से एक ही बात कही थी कि ये भाग्य में भोलेनाथ जी सील लगाकर भेजते हैं, वही शिव पुराण की कथा करवा। और आज वो योग लगा है श्री पवन खंडेलवाल जी का, आज वो योग लगा है श्री विशाल खंडेलवाल जी का, श्री खेम खोमलाल साहू जी का, श्री मोनू जी साहू जी का, श्री सागर खंडेलवाल जी का, आज वो योग लगा है। तो तुम भी ये विचार कर कर रखना कि तुम्हारे ललाट पर मेरे बाबा ने सील लगा कर भेजी थी कि शिव महापुराण की कथा करवा, शिव पुराण की कथा करवाओ, ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो। और जितने लोग कथा श्रवण करने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पंडालों में बैठकर सुन रहे हैं, चिल चिलाती हुई गर्मी में छाता लगा लगा कर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप अपने स्मरण में रखना, करोड़ों लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर पूरा भरा पड़ा हुआ है, नई नई शहर बसता जा रहा है, अमलेश्वर बढ़ता चले जा रहा है, ढेर सारे भक्त ढेर सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं, परंतु मेरा भोलेनाथ इस कथा के पंडाल में उसी को बुलाता है जिसके मस्तक पर उसने सील लगा दी होती है कि ये मेरा अपना है, जिसके मस्तक पर सील लगा दी गई है कि ये मेरा अपना है, इसको बुला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से, ये जब तक उसकी सील नहीं लगती तब तक नहीं होती। अभी कुरुद में श्रीधर परिवार ने कथा करवाई, श्रीधर परिवार ने कथा कराई तो उनके मन में भी एक भाव था, गुरुदेव हमारे पास इतना नहीं फिर भी भोले बाबा कथा करवा दिया, जिसको पकड़ता है वो। और फिर निवेदन करूंगा इस पूरे पंडाल में, जो किसी को पानी की एक बोतल 5 रुपए की भी अगर लाकर पिला रहे हैं, किसी को एक पानी का पाउच भी पिलाया है, किसी को एक बिस्कुट का टुकड़ा भी खिलाया है, जगह जगह पर लोगों ने बाहर कहीं चावल कहीं दाल कहीं पोहा कहीं मुरमुरा, कोई ना कोई पानी पिला रहा है निशुल्क, कोई पोहा खिला रहा है निशुल्क, कोई खिचड़ी खिला रहा है निशुल्क, कोई सांबर चावल खिला रहा है निशुल्क, और यहाँ पर भी कई बच्चे कई माताएं कोई टॉफी दे रही हैं, कोई बिस्कुट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। आप अपनी छोटी सी डायरी में एक बिल्कुल छोटी सी डायरी में लिख कर रखना कि हमने
27 तारीख से कथा चालू हुई थी अमलेश्वर में, 29 तारीख को मैंने दोपहर में 1 बजे किसी शिव भक्त को बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया था 5 रुपए का, और अगली कथा जब गंडई में हो 18 तारीख से तब हमको बताना कि तुम्हारा वो बढ़कर 1000 गुना हुआ कि नहीं। उसको बताना जरूर कि वो बड़ा कि नहीं बड़ा। एक बात याद रखना, अभी तक तुमने जो खर्च किया वो दुनिया वालों पर किया, परिवार में किया, बेटी पर किया, दामाद पर किया, बेटे पर करा, बहू पर करा, पोता पोती पर करा, नाती पंती पर करा, रिश्तेदारों पर करा, अभी तक जो तुमने खर्च किया वो दुनिया वालों के लिए करा। पर अभी 7 दिन 27 तारीख से लेकर 2 जून तक जो तुम 1 रुपया भी खर्च कर रहे हो वो महादेव के लिए खर्च कर रहे हो, तो वो कभी खाली नहीं जा सकता, वो कभी खाली नहीं। वो कितना बढ़ेगा उसका कोई भरोसा नहीं। घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन। वो कितना बढ़ेगा आपको भी अंदाजा नहीं। भजन का बल कितना बढ़ता है आपको अंदाजा नहीं है। समर्पण का बल कितना बढ़ता है आपको अंदाजा नहीं है। गुरुद में श्रीधर परिवार कथा करवाया तो उनकी बेटी ने एक प्रश्न किया था, हम जो भगवान को देते हैं वो भगवान स्वीकार करता है, हम जो भगवान को दें वो भगवान स्वीकार करता है। हमने श्रीधर परिवार की उस बेटी से कहा कि अगर पूर्ण समर्पण से दिया गया है ना तो भगवान उसको स्वीकार जरूर करता है, अधूरा समर्पण होगा तो शिव स्वीकार नहीं करे। अब अधूरा समर्पण किसको कहते हैं? अगर वो बेटियां कथा सुन रही हो श्रीधर परिवार की तो वो भी कथा में सुने और आप भी सुने कि अधूरा समर्पण किसको कहते हैं। पूर्ण समर्पण और अधूरे समर्पण में अंतर किसको कहते हैं? बहुत समझने की कथा है ये, समर्पण की शिव पुराण है वो, तो हाटकेश्वर महादेव की कृपा से मखारू गंगा के तट पर ये कथा चल रही है और आप लोगों को मिली है तो इसको सावधानी से स्मरण करिए। अधूरा समर्पण और पूर्ण समर्पण किसको कहा गया? कहां जा रही हो? मंदिर। क्या लेकर जा रही हो? फूल। तुम्हारे घर के बगीचे में फूल लगे? नहीं। फिर कहां से लाई? पड़ोसी की यहां से तोड़कर। अब जरा समझिएगा, बहुत समझने वाला विषय है ये। फूल पड़ोसी के घर के तोड़े, कहीं पेड़ लगा था वहां से बेलपत्री तोड़ ली, कहीं से पत्ती तोड़ ली, कहीं से पुष्प तोड़ लिया, और तोड़ के सिर पे पल्लू लेके भगवान को ऐसे चढ़ा रही कि 10 रुपए खर्च करके खुद लाई, खुद स्वयं। अब बताओ फूल किसका? बोलते जाओ जल्दी जल्दी बोलो। पड़ोसी का। पत्ती किसकी? पड़ोसी की। चढ़ा कौन रहा है? तुम। और सरल भाषा में समझ जाओ, पीपल के पेड़ की पूजन करने गई थी, बट सावित्री की पूजन करने गई थी, आंवले के पेड़ की पूजन करने गई थी, माँ किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, कंकुर होली मोली चावल हल्दी सब रखा था, और इतने में तुझे लगी लगाई थाली मिल गई, और वो बिचारी महिला तो पूजन कर रही थी और उसी की थाली में से फूल लेके सब चढ़ा दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सावित्री मैया खुश होगी तेरे से?
फूल दूसरे का है, पत्ती दूसरे की है। हमारे जो पंडित लोग रहते हैं ना, हम जहां ठहरते हैं तो वहां हमारे पंडित लोग ब्राह्मण जन जजमान को बता देते हैं कि देखो गुरु जी यहाँ ठहरे हैं, ठाकुर जी की सेवा चलेगी, कल्लू जी की, सालिग्राम जी की सेवा चलेगी, भोलेनाथ जी की सेवा चलेगी। हमारे कक्ष में भगवान के भोग में या हमारी प्रसादी में खाने के लिए कभी भी ना बाजार की मिठाई आती है, ना हम बाजार का कोई सामान लेते हैं, ग्रहण भी नहीं करते। मिष्ठान तो बाजार का होता ही नहीं, लेते ही नहीं, कोई पदार्थ ऐसा बाजार का ना लिया। बाबा की सेवा हो रही है, लालली की सेवा हो रही है, तो जजमान को पंडित लोग भी कह देते घर में अगर कोई सामग्री बनी है तो वो आप स्वीकृत होगी, वो भगवान को हम भोग लगा दें, वो प्रसाद में आ जाए। मतलब आपके द्वारा, आपके परिश्रम से, आपके द्वारा निर्मित। अगर बेटी को एक एक बहुत पहले एक कोई फिल्म का एक छोटा सा शॉर्ट था, अब हमें उसका नाम तो नहीं मालूम, परंतु उसकी बेटी ने लड़के से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है, और कलेक्टर की पढ़ाई करने के समय पर उसका पिता बेटी से मिलने के लिए आता है, और बेटी अपने पति की ओर देखती है कि घर में कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है, तो इतने में अंदर जाती है, पुराना एक दिन पहले का चावल पड़ा रहता है, उस चावल में दूध मिलाती है, शक्कर मिलाती है और अपने पिता को लाकर दे देती है। पिताजी पूछते हैं बेटी ये क्या है, बेटी कहती है पिताजी ये मीठा भात है। मीठा भात? बाप उसको खाता है, प्रसन्न होता है कि मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनी हुई कोई सामग्री मुझे खिलाई और मुझे उसकी प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान कहते हैं मुझे पूर्ण समर्पण चाहिए, पड़ोसी के घर का टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, रोड पर से टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, दूसरे के दरवाजे की पत्ती टूटी हुई नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास में तुम्हारे घर का अगर एक चावल का दाना भी है ना तो वो पूरा दे दीजिए, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा, उसको मैं पूर्ण समर्पित मान लूंगा। हम उसको पूर्ण समर्पित मानेंगे। हम फूल दूसरे के घर का ले जा रहे हैं, पत्ती दूसरे के घर की ले जा रहे हैं, और भगवान को चढ़ाकर सोच रहे हैं कि मेरा पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हो गया। ए जीजी, पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता, पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सफल होता है, बस उसको ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण से करो। इसलिए हमने पशुपतिनाथ के व्रत में बार बार आप लोगों को कहा, घर में भोजन तैयार करो, मीठे का सामग्री, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, मीठा चावल बनाओ, तुम जो बनाना है वो घर में बनाओ, थोड़ा बनाओ, भले जितना भगवान को भोग लगाना है उतना बनाओ। फिर हमने कहा अपने पास जो हो, जब तुम्हारे पांच व्रत पूर्ण हो जाएं, अपने पास जो हो, फूल हो तो फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी, मूंग हो तो मूंग, चावल हो तो चावल, 108 वो समर्पित करो जो अपना है, जो अपने पास। पड़ोसी के घर से तोड़कर पशुपति नाथ के व्रत में फूल भी मत चढ़ाना। अगर बन सके 10 रुपए दिए, 10 रुपए का फूल लिया, 5 रुपए लिए, 5 रुपए का फूल लिया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, और पहले तो आप लोग क्या करते थे जब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी तब तक लोग क्या करते थे, मंदिर में से ही पानी भरते थे और शंकर जी को चढ़ाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी तब से लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अपने घर से जल भर कर लेकर जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि पूर्ण समर्पण चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी पहले भी हम जल चढ़ाते थे, तब तो महादेव सुनते नहीं थे, आज के समय में हम जल चढ़ाते हैं और महादेव सुनते हैं,
सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब ऐसा क्या है थोड़ा, अब ऐसा है क्या, ऐसा क्या हो गया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल हो गया? क्या पहले एक लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले एक लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं मानते थे? क्या पहले एक लोटा जल पूरी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले शंकर भगवान नहीं रिझते थे? उसका कारण यह था कि मंदिर का पानी बाल्टी भर के पंडित जी रख देते थे, उसमें से भर भर कर तुम शंकर जी को चढ़ा देती थी और प्रसन्न हो जाती थी कि शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। इसको आधा समर्पण कहते हैं। लोटा किसी दूसरे का, बाल्टी किसी दूसरे की, पानी मंदिर का और मंदिर के महादेव को चढ़ाकर तुम सोचती थी कि मैंने भगवान को रिझा लिया। भगवान नहीं रिझते, मेरा भोलेनाथ को रिझाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। इसलिए जिसने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, फिर उन्होंने घर से पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जब घर से लेकर गए तो पूरे समर्पित होकर गए, तो भगवान ने उसका कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उसकी झोली भरना प्रारंभ कर दिया। इसको पूर्ण समर्पण। पशुपतिनाथ का व्रत भी करो और तुम कहो कि मैंने तो चार बार करके देख लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे। मैंने पांच बार कर लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, भगवान मेरा नहीं सुन रहा। उसका कारण क्या है? तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहा? यहां एक पत्र में आया, देखो, अब देखिए लोग कहते हैं हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, दो बार बांधी, तीन बार बांधी, चार बार बांधी। लोग कहते हैं हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम कहते क्यों नहीं सुन रहा? अपनी गलती को तो छाटो कि हमने किसी के दरवाजे का फूल तो नहीं तोड़ लिया, हमने कहीं किसी के यहाँ की पत्तियां तो नहीं तोड़ ली और तोड़कर हम भगवान को रिझाने चले गए, उसमें से हमारा आधा समर्पण समाप्त हो गया। इसमें लिख रही है, मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। मेरी शादी 2002 में हुई थी। 21 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? क्लोज करिए कैमरे में, हाँ दिख गए, ठीक है। आइए बच्चे को लिया लिया बेटा। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, 2002 में हमारी शादी हुई। 21 साल हो गए, हमारे यहां औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरी बच्चेदानी में टीवी हो गई थी। बच्चेदानी में टीवी हो गई थी, तब मेरा बच्चेदानी पूरी खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे यहाँ औलाद कभी नहीं हो सकती। जब औलाद का सुख नहीं है तुम्हारी जीवन में गुरुजी, तब मेरे चाचा रामकुशल साहू और चाची श्रीमती सुशीला देवी ने बताया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा कथा करता है और प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, तो आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनने बैठ जा। हम दोनों पति पत्नी ने टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, एक व्रत में आप कहते हो कि समर्पण पूर्ण होना चाहिए, उस व्रत में मैंने हो सकता है कोई गलती कर दी हो, पर दूसरा व्रत जब करा ना गुरुदेव, तो मैंने अपने घर की सामग्री, घर का सामान, जो मिलता था मेरे घर में, वो मैं ले जाकर बाबा को समर्पित करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने 2023 में पुत्र रत्न की प्राप्ति करा।